हाय दोस्तों, मैं राजू और आप देख रहे हैं होम मेड टेक्निकल चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ऑटो बैटरी कट सर्किट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है एक 12 वोल्ट का रिले और एक बीसी 547 ट्रांजिस्टर। इसे हम इस तरह से रिले पे कनेक्ट कर देंगे। अब हम लेंगे एक रेड एलईडी 5 mm के लिए है। इस तरह से हम कनेक्ट कर देंगे प्लस और माइनस। और हम एक ग्रीन एलईडी लेंगे, इसे भी हम प्लस और माइनस इस तरह से कनेक्ट कर देंगे और आपस में दोनों एलईडी को नेगेटिव कनेक्ट कर देंगे। अब हम लेंगे एक 1K का रेजिस्टेंस, इसे हम नेगेटिव पे एलईडी के कनेक्ट करके ट्रांजिस्टर की तीसरी लेग पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। अब हम लेंगे 10K रेजिस्टेंस, इसे हम रिले के इन दोनों पॉइंट पे इसे इस तरह से कनेक्ट कर देना है। अब हम लेंगे इन 4007 डायोड, इसे हम इस तरह से प्लस और माइनस इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। अब हम लेंगे 10K पोर्ट, इसे हम ट्रांजिस्टर के बीच वाले और तीसरी लेग पे और 10K रेजिस्टेंस पे इस तरह से शोल्डर कर देंगे। यह हमारा इस तरह से सर्किट पूरा हो गया है। आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान सर्किट है। अब हम एक वायर का टुकड़ा लेके रिले के दूसरे पॉइंट पे और ट्रांजिस्टर के तीसरे लेग पे नेगेटिव इस तरह से हम ये आउटपुट का कनेक्शन कर देंगे। अब हम और एक वायर लेके इसे इनपुट के लिए पॉजिटिव को रिले के इस टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे और एक नेगेटिव को पॉट के तीसरी लेग पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। अब मैंने एक वोल्ट मीटर लिया है, इसे मैंने प्लस और माइनस इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। इसे हम इनपुट वोल्टेज दिखाई देगा, तो इस तरह से हमें कनेक्ट कर देना है। और एक मैंने वोल्ट मीटर लिया है, इसे हम आउटपुट पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। ये येलो और रेड वायर है, इसे हम पॉजिटिव और जो वोल्टेज सेंस करने वाला वोल्टेज वायर रहता है, इसे मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिया है। छोटे वाले डिस्प्ले को भी, वोल्टमीटर को भी हम इसी तरह से कनेक्ट कर दिया है। तो हमारा ये सर्किट अब पूरी तरह से बन गया है। तो चलिए देखते हैं टेस्टिंग करके। तो आप देख सकते हैं इनपुट में जितना वोल्टेज है आउटपुट में उतना ही वोल्टेज आउटपुट में भी मिलेगा। तो मैंने डायग्राम दे दिया है। अब हम बैटरी वोल्टेज सेट करेंगे। पहले हमने 6 वोल्ट की बैटरी के लिए सेट किया है 7 वोल्ट। अब हम पोटेंशियोमीटर को धीरे धीरे घुमाएंगे और इसे हम ऑटो कट करेंगे। जैसे ही ये 7 वोल्ट पे बैटरी जाएगी तो अपने आप ये ऑटो कट हो जाएगा। अब हम 9 वोल्ट की बैटरी सेट करेंगे। तो हम अब वोल्टेज को 9 वोल्ट चाहिए तो हम 9.5-10 वोल्ट सेट करेंगे और नॉब को धीरे धीरे ऑटो कट कर देंगे। सेट करके देखिए आप, अब ये 9 वोल्ट की बैटरी ऑटो कट हो गई है। अब हम जैसे ही 9 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे और वोल्टेज 9.5 के आसपास हो जाएगा तो ऑटो कट हो जाएगी। अब हम 12 वोल्ट की बैटरी को सेट करेंगे। अब हम 13.6 वोल्ट सेट किया है। अब हम नॉब को एडजस्ट करके ऑटो कट कर देंगे। तो इस तरह से हमें ये सर्किट को सेट करना पड़ता है। तो अब हम एक बैटरी लेके देखेंगे। तो मैंने एक 12 वोल्ट की बैटरी ली है, इसे मैं इस तरह से कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये पहले मीटर में इसका वोल्टेज शो कर रहा है 12.4 वोल्ट है। इसे हम आप सेट करके देखेंगे। तो मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ाया है। तो आप देखेंगे कि दूसरे वोल्ट मीटर पर जैसे ही वोल्टेज 13.34 हो जाएंगे तो ये ऑटो कट अपने आप हो जाएगा। तो इस तरह से वोल्टेज सेट करना पड़ता है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।